कुपवाड़ा पुलिस ने समाज से नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के अपने निरंतर प्रयासों में एक और सफलता हासिल करते हुए नशीली दवाओं के 4 कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद किए। एसएचओ रफीक लोन की अगुवाई में पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा की एक टीम ने इन ड्रग पेडलर्स की अवैध गतिविधियों के बारे में एक विशेष जानकारी डेवलप करने के बाद कुपवाड़ा के रेजीपुरा क्रॉसिंग पर नाका लगाया था। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान रईस अहमद शाह उर्फ रईस कचूर वल्द गुलाम मुस्तफा निवासी अंधरामा ड्रगमुला, मोहम्मद अयूब खान वल्द हबीबुल्ला खान निवासी वाटरखानी ड्रगमुला, मजीबुल रहमान वल्द मजीब उल रहमान निवासी नेहमबाग वेस्ट बंगाल मौजूदा वक्त में कुपवाड़ा में श्रमिक के रूप में कार्यरत, और शफीकुल रहमान वल्द अतुल्ला रहमान निवासी मालदा वेस्ट बंगाल मौजूदा वक्त में कुपवाड़ा में श्रमिक के रूप में कार्यरत के तौर पर है। गिरफ्तारी के समय चारों ड्रग पेडलर संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे थे और पुलिस की मौजूदगी से बचने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उनके पास से ब्राउन शुगर जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि कुपवाड़ा के कुछ नशेड़ियों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया था और पैसे कमाने के लिए उन्हें ड्रग्स देने जा रहे थे। पुलिस ने इस बारे में पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में NDPS एक्ट की सेक्शन 8 के तहत FIR नंबर 88 के तहत मामला दर्ज किया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।